पहा नवीन एपिसोड्स एकदम ऍड फ्री. ओए आराम से, ये पानी भी मत गिरा देना. अरे यार हमको तो नींद नहीं खुलती है. जी नानू इधर के एडिक्टेड इल्ला. हाँ सेवन सेवन ही रहस्य कोशिश चालू मेरा इसलिए ने नींद उड़ गया. हाँ राइट टर्न फ्लोरन. वन टू थ्री अब रनिंग स्टार्ट करेंगे. बैक टर्न फ्लोरन. ओ अंकल दौड़ पाओगे? ए नोडू नीनो अबे पागल बुढ़ू तुसी देख नहीं सकते क्या? तुम्हारे जैसे लोगों को घर पे रहना चाहिए था, घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए. सॉरी मैडम नानू इंटेंशनली मारू दिला. आओ तुम्ही तुम लोगों से होता नहीं है तो आते क्यों घर से बाहर? कपड़े खराब कर दिए सारे मेरे पागल आदमी. नानू इंटेंशनली मारू दिला. अब मैम आप बोलो ना. अरे सिमरन तुम इस तरीके से क्यों बात करती हो उनसे? लो आ गई हमारी वाटर गर्ल ज्ञान देने. देखो तुम ना बीच में मत पड़ो और ये मिट्टी में तुम सनी होती तो समझ में आता. इतनी दिक्कत है तुम्हें मिट्टी से? मिट्टी गंदी ही होती है मैडम जी. मुझे नहीं लगता. मिट्टी अपनी माँ की जैसी है, इसी मिट्टी में बड़े हुए हैं ना हम, और इसी मिट्टी में काम करना है. इतनी दिक्कत है तो काम कैसे करोगी? देखो तू ना मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है. मेरे मॉम डैड आईएएस हैं, वो बताएंगे मुझे कि मुझे क्या करना है. अरे नहीं नहीं मैं तुम्हें सिखा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ. मेरे बापू मतलब मेरे पिताजी ये मिट्टी का तिलक अपने अपने माथे पे लगाते. क्यों? वो उसे अपनी माँ समझते सिमरन. और अपने देश के आधे से ज्यादा लोग इस मिट्टी में काम करते और इस बेजान मिट्टी में अपनी जान भरकर वो अपने परिवार का पेट भरते. और इन लोगों के लिए तो हमें काम करना है ना. वो यार बस कर दे. मैंने पूछा क्या? इतना ज्ञान नहीं चाहिए मुझे. तुम एक काम क्यों नहीं करती, ये सब कुछ छोड़ के ना पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो. भाषण अच्छा दोगी, लोग सुनेंगे. अरे अपर्णा जी तुम बहुत धन्यवाद रही. मतलब नहीं नहीं समझ में आया. आप मुझे थैंक यू बोल रहे थे ना. आहा आत्मविश्वास खोने मत देना. आप भी उतने ही हकदार हैं जितने हम हैं. आप और हम में मैं तो फर्क नहीं समझती. चलो आप सब मिलकर रनिंग करते हैं. वन टू थ्री गो. चुके आपल्याकडे टाइम नाही. ये ट्रेनिंग बिनिंग संपलं ना की लगेच पोस्टिंग होईल आपची. अहो साहेब साताऱ्याला बुर्जीवाल्याला पण सोडलेलं नाही. अहो रात्रीची नवीन गाडी कुणी टाकली की लगेच हप्ता घेतोय, कुणा सुट्टी देत नाही बघा. अरे चिंचुके या चिरीमिरीने काय होणार आहे? हे 550 कुठं करोड कुठं? इथं बायकोनं भ्रष्टाचार संपवायचा वेळ उचललाय. नवरात तिला चुना लावतोय. तू काय करतोय? तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर घेऊन आलोय. काय उत्तर बित्तर नको, निघा चला. बघ अर्ज्या विचार कर, आपची पोस्टिंग साताऱ्यात होऊ शकते. तुला कसं कळलं? अर्ज्या दुसरं काय करणार आहे तू? अरे आमदार साहेबांची पोच मोठी आहे आता. तू ते सरकारचं बघ, माझं मी बघतो बाकी. अरे पोलीस तो आहे ना. अर्ज्या सरकार येतील कधी ना कधी, पण आपीची पोस्टिंग बाहेर गेली तर काय करशील? तुला काय एवढा इंटरेस्ट आपीची पोस्टिंग इकडे करण्यात? मला पैशात इंटरेस्ट आहे. मला नाही पटत. आजपर्यंत आपीचं तुझं कधी पटलं नाही, तिचं चांगलं झालेलं तुला कधी बघावलं नाही, तरी एवढा पुळ का?
आरज्या तिचा माझा संबंध आल्यावर बघू, पण माझी वहिनीच कलेक्टर म्हणल्यावर माझे चार कमा अशीच होतील ना। पण जाऊ द्या, तुलाच इंटरेस्ट नाही म्हणल्यावर इथं थांबून काय करू, काय चिंचुके। चल म्हणते आमदार साहेब, अहो तुम्हाला बोललो होतो ना मी, एवढा दम नाही याच्यात, चला थांबे। दम आहे का नाही चांगलंच माहिती आहे तुम्हाला, पण विश्वास नाही माझा तुमच्यावर। नाही म्हणजे आपीची पोस्टिंग इकडे करण्यामध्ये खरंच मी मदत करणार का नाही मला जरा डाऊट आहे। दुसरा काय पर्याय आहे तुझ्याकडे? आणि मला सांग, पैसे कुणाला देणार होतास तू? तू कुणाला देणार आहे? मॅडमचे कनेक्शन आहे दिल्लीत, आणि आपीचं काम म्हटलं त्या लगेच तयार झाल्यात, पाहिजे तर खात्री करून घे। लावू का फोन? काय करायला लागेल? आमचे बी हप्ते तूच गोळा करायचे, त्यात कट मी तुला देईल। पण हा, फक्त इथलेच नाही, सातारापर्यंत जेवढे कन्स्ट्रक्शन आहेत त्या सगळ्या बिल्डर्सकडून वाळू मटका सट्टा सगळंच। मला किती कट मिळणार? हप्ता जेवढा जास्त घेशील तेवढा कट तुला जास्त मिळणार, सोपं गणित आहे। चालते, पोस्टिंग झालीच पाहिजे आपण। आता ही सगळे हप्ते आम्ही गोळा करायचे, आणि याच्यात तुम्ही आम्हाला अडकवणार नाही कशावर? चिंचुके साहेब, अहो रिस्क है तो इश्क है। चला आजच लागा कामाला, तुला नाव पाठवतो मी। चला येतो। साहेब जरा जपून बर का, यांच्यावर विश्वास ठेवून चालणार नाही बर का। पिक्चर बहुत अच्छा था ना पूनम? अपर्णा, रुको रुको रुको, गेले हो कधी? मतलब का जा रहे हो? कॅन्टीन जी, तुम्ही एक बात बोलना था। बोलिए। वो तुम बहुत थैंक यू मॉर्निंग के लिए। अरे नहीं नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। नहीं जी, तुम जो बोली वो मैं नहीं बोल पाता जी। अमित जी लेकिन बोलना चाहिए ना जी, मेरा मन नहीं करता। अरे हटो यार, तुम लोग की फालतू बातें खत्म नहीं होंगी ना, पर खाना खत्म हो जाएगा। एक मिनट, मेरा शादी का कॉल आ रहा है, वैसे मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना? तुम बस सुंदर है जी, मतलब मैं जी फ्लर्ट नहीं कर रहा, बता रहा। हाँ पता है, बस इस बार हो जाना चाहिए यार। पूनम किसका कॉल है यार? ये बंदा है कोई, वो क्या है ना पर ना, हमारे यहाँ पे लड़के सीखते तो है नहीं ज्यादा, तो इसलिए मेरी शादी रुकी हुई है, और मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, और बड़ी मुश्किल से बंदा मिला है जो खुद आईएएस ऑफिसर है। अरे वाह, आईएएस ऑफिसर, मतलब अपन जी इनका तो मामला सेट ही है। लेट्स सी जस्ट टेक अ अपन जी, हम खाना खाने जाएंगे? नहीं नहीं अमित जी, पूनम के लिए रुकते हैं ना। हाँ चलेगा। पूनम क्या हुआ? अब वो कह रहा है कि उसको पसंद नहीं है कि मैं शादी के बाद जॉब करूं। अरे पर वो खुद एक आईएएस ऑफिसर है, उसको पता होना चाहिए कि तुम कितने। हाँ लेकिन ये सब कुछ है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे ना, उन लोगों को नहीं पसंद है सब कुछ, शादी के बाद जॉब वगैरह ये सब नहीं मानते और नहीं अलाउ करते, पता नहीं अब क्या होगा यार। पूनम वो सब छोड़ो, पहले हम खाना खा लेते।
हाँ चल तू। चलो चल। ये शादी वादी के चक्कर में पड़ोगी ना तो यही हाल होगा, खाना भी नसीब नहीं होगा। I don't believe in relationships। मेरी मानो तो सिर्फ काम पे ध्यान दो, सिर्फ काम ही हमारा खुद का होता है, बाकी इस दुनिया में कोई भी नहीं। Got it? जी मैडम सर। तुला काय करायचं माहिती आहे ना? त्या अर्जाचे फोटो काढायचेत ना, काढणार ना तेवढं पेन्शनचं बघा ना। अरे तुझी फाईल सुजय साहेबांना आधीच पुढे पाठवली आहे। खरंच? हा मग होईल आता, तुझं काम लवकरच होईल। चल फोटो काढ। अरे त्या हेल्मेटवाल्याची फोटो काढ म्हणलंय तुला, सेल्फी नाही। सॉरी सॉरी। काढ चल बघा। हा ठेव ठीक आहे, जा चल कामाला लाग, आणि फोटो क्लिअर आले पाहिजेत। हा येणार ना, रॉकेट आहे असा आडवा तेवढा फोटो काढणार ना। अर्जा पैसे घेताना फोटो क्लिअर आले पाहिजे, येणार ना? येणार। अर्जाला अर्जाला जा जा जा, जा। नमस्कार दादा। नमस्ते साहेब। एक हेल्मेट दाखवा मस्त पैकी, बघा की मग कुठलं पाहिजे ते। नाही विश्वास आहे, एक मित्र आहे जवळचा, त्याला द्यायचं गिफ्ट, त्यामुळे भारीतलं पाहिजे, एकदम ब्रँडेड क्वालिटी। गिफ्ट द्यायचं आहे वय, मग चांगलंच पाहिजे। यार भारीतलं ना? अहो एक नंबर आहे, घालून बघायची सुद्धा गरज नाही। बर मग प्रश्नच नाही, हेच घेतो मग। पैसे का घे नाही हो, घे 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 येऊ का? पैसे पैसे जा ना घेऊ। हो साहेब, यांनी ऑनलाईन हप्ता घेतला वाटतं। बापरे ऑनलाईन हप्ते कोण घेतं रे? अयो मग यांनी हप्ताच घेतला नाही बाई। अरे अर्जय हो, हप्ता घेणार नाही असं होणार नाही, काहीतरी झोल असला पाहिजे। क्या हुआ, कुछ काम था? जी नहीं, आप अकेले लगी इसलिए साथ निभाने आ गई।
आपने पूनम को ऐसे क्यों कहा? एक चीज चूज करो, या घर या काम, या सिर्फ काम ही करो। मतलब थप्पड़ना कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? जी मेरी जॉइंट फैमिली है, हम 10 लोग एक साथ रहते हैं। पर जब तुमने ये ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया, क्या घर के सभी लोग खुश थे? नहीं। यही तुम्हारा जवाब है? कल को तुम्हारी पोस्टिंग किसी और सिटी में होगी तो क्या घर के सभी लोग राजी होंगे? जी नहीं, घर से बाहर रहूंगी तो थोड़ी दिक्कत तो होगी ना। पर मैडम सर, मुझे दोनों भी करना है, घर भी संभालना है और काम भी। ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोगों का ये मानना है कि औरत की सबसे पहली प्रायोरिटी उसका घर ही होना चाहिए, हालांकि मर्दों के लिए कोई पाबंदियां नहीं है। औरत कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन मायने यही रखता है कि वो कितनी अच्छी बहू है, कितनी अच्छी पत्नी है। समाज की यही सोच है। पर मैडम सर, यही सोच तो बदलनी है ना। क्या तुम बदल पाओगी? जी बिल्कुल, मेरे ससुर जी, मेरे मिस्टर दोनों भी बहुत सपोर्टिव है। शुरू शुरू में सब सपोर्ट करते, लेकिन कल को तुम ऑफिस ज्वाइन करोगी, ऑफिस से घर देरी से आओगी और वर्कलोड बढ़ जाएगा, एंड स्पेशली जब फैमिली प्लान करोगी, क्या तब भी सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, समझ लेंगे। अच्छी बात है तुम्हारे लिए, लेकिन अपर्णा, एक ना एक दिन तुम्हें घर और काम दोनों में से किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। तो किसे चुनोगी? है कोई जवाब? अपर्णा, हर औरत से यह सवाल पूछा जाता है, हालांकि औरत के जन्म लेने के साथ ही यह सवाल उसके माथे पर जड़ दिया जाता है। लेकिन मैडम सर, इसका सॉल्यूशन ये तो नहीं है ना कि दोनों में से एक चीज चूज करो, या घर या काम। और अगर ऐसी बात हुई तो घर की बेटी बहू बाहर जाके काम नहीं कर सकती, और ये तो गलत बात है ना। अपर्णा, कुछ याद आ गया। हाँ, मैं भी यही सोच लेकर इस ट्रेनिंग सेंटर में आई थी, और आज देखो, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बड़ा ही मुश्किल, बल्कि नामुमकिन है। नहीं, पर मैं मुमकिन कर दिखाऊंगी। तो सबसे ज्यादा खुश मैं ही होऊंगी। आई, तुम्ही किती वेळ असं पायरीवर बसून राहणार आहे आता? आई, तुम्ही खचून जाऊ नका बरं। अहो, सगळे शोधतात की सरकारांना, सरकार नक्की सापडतील। आई, विनू भाऊजी कुठं आहेत? हे विनू भाऊजी कुठं आहेत? सरकार भाऊजी, मी काय विचारते, कुठं आहेत सरकार? हो हो, कुठं आहेत तुमचे दादा? त्यांनी आजपर्यंत काय नाही केलं तुमच्यासाठी? काय नाही केलं सांगा की? का नाही घेऊन आला तुम्ही त्यांना? अहो वहिनी, अहो लई ठिकाणी शोधलं, सगळीकडे फिरलो। अहो पाक, आपल्या मूळ गावी गेलो तो महाबळेश्वर जवळ, कुठंच नाही गावला हो। भाऊजी, मला काय बी माहित नाही, त्यांना इथं घेऊन या। आई आई, अगं सोड ना विनय काकाला। आई आई, तू गप्प बस। वहिनी समजे प्रयत्न करतायत, शोधाशोध चालू आहे। अगं वहिनी, कशाला काळजी करतेस? आपण सगळे मिळून शोधू की दादाला? ए, तुम्ही सगळी जण गप्प बसा, तुम्हाला त्यांची काहीच पडलेलं नाही। एक नंबरची स्व